राजपाल सिंह जी, मैं तां दस रहा कि शायद तुहानूं पहलां किसी नूं ना दस्सिया होवे नाम, अज साडे विच आए एक इना वांग। मैं भी एक छोटी जी गल सुनाउणी है तुहानूं, 10-12 साल की गल हैगी है। मैं भी एक ट्रेन च, मैं ते मैडम सफर कर रहे सी, एसी दा कैबिन सी, होर कोई शोर शराबा नहीं सी, बहुत ट्रैक ओहदे विच रश भी नहीं सी, अपनी अपनी सीटां च असीं सारे बैठे सी। गुरमुख विचार दीआं गल्लां मेरे कान च पईआं, गुरमुख विचार दीआं इकरार दीआं नहीं, गुरमुख विचार दीआं। कोई किसी नूं पुछ रिहा सी, कोई दस रिहा सी, कोई बोल रिहा सी, थोड़ा जिहा मैं भी उत्सुक हो के मैं नाल दे कैबिन दे विच जाके सुनन लग गया भी कौन बोल रहे है, इन्नी इन्ना वधिया गल्लां इह कौन कर रहे है। मैं लगे कैबिन ते जाके इन करके मैं देख लिया कि जिहड़े बोल रहे सन उन्होंने मैनूं कहा भाई साहब अगे आ जाओ। मैं भी अगे हो गया, मैं कहा चलो जे अगे होवांगे तां होर कोई चंगी गल नहीं सुणांगा, थोड़ी जरा क्लीयर सुणांगा। इत्थों मैनूं घट पता लग रहा सी, मैं कहा चलो क्लीयर सुणां। मैं लागे बह के गल्लां सुनता रहा, काफ़ी प्रभावित होया। उन्होंने मैनूं कई गल्लां पुछियां, कई दसियां, एक डेढ़ घंटा असीं हजूर साहब जा रहे सी, फिर गल करते जाओगे, पर मैं दसा कि मैं अज ही दर्शन करके सवेरे वापसी फ्लाइट ते मैं आ गया। जिस तरह उन्होंने दसिया ना, 97 रोड से एक साइकिल वाले की गल तो उन्होंने होया, साइकिल वाले ने उन्होंने असीस दी, जिन्हें जिन्हों को मैं ट्रेन से गल सुनिया, जिन्हों की गल सुन के मैं प्रभावित होया, वो सन सरदार राजपाल सिंह, इन्होंने शायद ना याद हो। पिछली बार की किसी गल है, 2000 ये वही शख्स सन जो ट्रेन के मेरे को बैठे, ये मैं जरूर आवां। पिछली बार भी आए सन, हम फिर गुरु ने कृपा की है, हम देखो कितना वधिया माहौल। मैं इन्हों का धन्यवाद करना कि उस समय की मिलनी जिस तरह इन्होंने साइकिल वाले बाबा जी मिले से सानू, ये मिल गए। धन्यवाद है इन्हों का कि सानू तुहानू चंगी गल दसण वास्ते आए। हम किसी ना किसी बच्चे के दिल च किधरे ना किधरे कोई गल आउंदी होएगी कि साढ़े 8 बजे तो लैके 10 बजे तक साढ़े 2-3 पीरियड है ना गल, किधर कोई ना कोई सोचता ही होगा। जरा पढ़ने वाला बच्चा सोचना नहीं चाहिए, सोचता जरूर होगा कि मेरे पीरियड मिस हो गए 2-3, मेरा केमिस्ट्री या मेरा बायो का पीरियड मिस हो गया। जरा पीरियड लग्या ना योजे पीरियड 10 बायो 10 केमिस्ट्री 10 फिजिक्स नालों 20 कितने महंगे पीरियड ने, ये तुम मैं दस नहीं सकता इन्हों का अहदा कि किन्ने वे अहदे पर जाके भी बंदा यह गल नहीं दस सकता। यह जरा सा एक 2 घंटे का पीरियड लग गया, साड़ी जिंदगी सवर जाएगी ये असी अपने माता पिता दसीसा लैनिया शुरू कर देवे, और ता ही मिलनी जो असं पैर में उतरावे असीसा ही लैनिया ने, उन्होंने तुम सारे गुण दस दिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं कर एक गल मैं अपनी जिंदगी दे विचों भी तुहानूं दसदा, मेरे मगर मैं भी एक गरीब नहीं मैं कह सकता, गरीब परिवार नहीं सी साडे ते, गुरु की बड़ी कृपा सी, मेरे दादा जी भी सर्विस करदे सी, मेरे पिता जी भी सर्विस करदे सी, आजाद एक फौज के विच भी साडे मेरे चाचा जी सन। बोले सो निहाल, असीं अपने आप नूं गरीब ते नहीं सी कह सकते, पर गुजारा ही हुंदा सी क्योंकि सस्ते समें सी ते आमदन घट होंगी, थोड़ी जी पैसे से साड़ी
मैं भी जो अपनी मदर के पैरों हाथ लाता हूं सी मेरे मदर कहते नहीं बेटा तेन वाहगुरु ने बहुत कुछ दिया ते मेरे को इना कुछ है कि मैं देख नहीं सकता कि ना कुछ मैं एक छोटा जा फार्म हाउस बनाया हुआ है मेरे फार्म हाउस के गेट के बाहर मैं अपने पोतरे का नाम अपने बेटे का नाम अपना नाम अपने पिता जी का नाम अपने दादा जी का नाम अपने परदादा जी का नाम लिखवाया हुआ है कोई भी कभी जाए अच्छे मेरा फार्म हाउस है बहुत सारे बच्चों को पता है वो देख सकते हैं और मैं अपनी बड़ियाई नहीं दसदा मैं मैं रब वालों ही मत कि मैं उन्होंने सारे अगे सरदार लिखाया हुआ है सरदार वजीरा सिंह सरदार ईश्वर सिंह सरदार दाता सिंह सॉरी मेरे पिता जी मेरे तीन बड़े सर तीन छोटे पिछकार मैं हम मैं इतने एक गलती कर गया वा कि जेडी मैं अपने जेडे मेरे सत्कारयोग दादी जी मदर परदादी जी उन्होंने नाम नहीं लिखवाए वह मैं लिखवावगा हम पता करके सारे और भी मैं जरूर लिखवावगा अज मैं अज इन्हों को यह सीखा मिली तुम तो बहुत कुछ सीख लिया सो सरदार राजपाल सिंह होर जी का इतने आने बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों की टीम का।